सो दिस व्लॉग इज कि हम जा रहे हैं सालासर धाम एंड खाटू श्याम जी। तो ये सारा व्लॉग वो व्लॉग होगा जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ कैसे मथा टेक रहे हैं एंड ऑल इट विल बी कवर्ड इन दैट। एंड बस में जा रहे हैं हम, सो स्टे ट्यून्ड। एंड जो हमारी जर्नी रहेगी सारी तो हम वो आपको दिखाएंगे। एंड अब भी जो ये मैं शूट कर रही हूँ ये रास्ते में कर रही हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में मैं व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी एंड बस मैंने बस से एंटर करते टाइम से क्लिप्स ले ली थी। तो अभी मैं फिलहाल बोलने वाली वीडियो जो है वो यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, बस रुकी हुई है तो वहाँ पे बना रही हूँ। सो एंड तक ज़रूर देखना गाइस इस व्लॉग को, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम रुके हैं लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो होटल पे। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ढाबा, रास्ते में आइए। एंड अभी टाइम एक मिनट, टाइम हो गया है रात के 1:30 1:30 AM इन द मॉर्निंग। एंड मैं आपको ये भी बताना भूल गई थी कि हम कितने बजे चले थे, हम 9:00 चले थे संगरूर से एंड 1:30 हो गया। अब मैं तो सो भी गई थी, अभी जस्ट लाइक मैं 12:30 पे सोई थी, 1:30 दोबारा उठ के सिर्फ घंटा सोई। अब मैं पता नहीं, मुझे नींद बहुत आने लगी थी एकदम से, फिर मैं सो गई एंड अब मुझे और ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं बीच में उठ गई। रोटी खाई है दाल के साथ एंड मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, एक लेस का पैकेट ले लिया, बाकी रोटी खा ली। मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। वहाँ पे संगरूर में भी जब हम आए थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी। पापा कहाँ पे हैं? हेलो हेलो बेटा, आया बिरे तू भी ना, मैं वहीं आके हेलो के बाद भी कुछ बोलते होते हैं। खाला सर चले हैं, खाटू श्याम जी चले हैं, आओ आपको भी ले चलती है साथ। आओ। मैंने बोला साथ था कि... में चले हनुमान जी का गद्दा देखने वहाँ पे। सो मैंने बोला था कि हम आपको सारी जर्नी दिखाएंगे। ये अंकल भी हमारे साथ आए हैं एंड लाइक श्याम जी की लीला देखने चल रहे हैं भाई हम तो। मौसम बड़ा बढ़िया, आप तो बस एक ही बात कर रहे हो, मौसम बढ़िया मौसम बढ़िया, मौसम अच्छा लग रहा है। ऐसे डर था भी गर्मी ना हो ज़्यादा। बाकी अगर हम रात का भी देखें, वैसे नॉर्मली भी राजस्थान का नॉर्मली जो वेदर होता है ना वो कोल्ड होता है, दिन में ही गर्मी होती है वहाँ पे। सो पता नहीं अभी। पापा हम राजस्थान पहुँच गए, अब राजस्थान बॉर्डर पे हैं। ओके राजस्थान बॉर्डर एज सेड बाय डैड, मुझे तो कुछ नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं। अभी हम बस की वेट कर रहे हैं, बस पेट्रोल डलवाने चली गई, ये बाकी सभी की बसेस खड़ी है, बाकी टाइम हो रहे हैं 2:15। टाइम यार मेरी वॉच पीछे हो गई, वो मेरी उसके साथ डिसकनेक्ट हो गई ना फ़ोन के साथ, तो मुझे पता नहीं अभी इसमें तो मेरी वॉच में तो 10:37 हो रहे हैं।
बट ये गलत है बिकॉज वो डिस्कनेक्ट हो गई है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड नहीं है मेरे फ़ोन के साथ, तो अभी पता नहीं। दूसरे फ़ोन से देख के मम्मा बता रहे हैं 215 हो गए हैं। सो बस अभी आपको बाद में मिलते हो गई है। 4:45 पे हमारी बस यहाँ पे स्टॉप हुई थी, अभी 4:50 हो गए, 55 आई थिंक। तो अभी नहाने वगैरह का देखेंगे एंड फिर उसके बाद रेडी होएंगे, थोड़ा बहुत आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे सालासर धाम। सो गाइस अब हम हो गए थे रेडी एंड अब हम जा रहे हैं मत्था टेकने। पापा ने देखो झंडा पकड़ा हुआ है एंड हमने ट्रेडिशनल आउटफिट्स डाल लिया आज। सो we are heading on, so let's go. So guys, this is my outfit of the day and ye hai meri traditional outfit. Hawa chal rahi hai yahan pe, mausam yahan pe bahut acha hai, abhi subah hai, so till now everything is all right. Mausam, weather, it's so cool, fine. And meri full dikhata hu, meri full outfit dikh rahi hai. जगराता है इसी 31 दिसंबर को, एंड मेरी हर साल या मम्मा की भी मैं दिखाती हूँ। ये मम्मा एंड पापा की फुल आउटफिट्स हैं। मम्मा इधर देखो, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री बालाजी मंदिर की डायरेक्शन शुरू हो गई है, यहाँ पे श्री बालाजी मंदिर की डायरेक्शन शुरू हो गई है, हम इधर से जा रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ से मार्केट शुरू हो गई है श्री बालाजी मंदिर से पहले जो मार्केट है। अच्छा वेदर तो हम बहुत बार बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट्स अ लक। सो दर्शन हो गए, सो
बस हम वहाँ पे जाते हैं अब हमारे संगरूर सदर में वापस, एंड वहाँ पे जाके हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके खाटू श्याम जी जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हम आ गए थे धर्मशाला में वापस, एंड अभी हम पी रहे हैं चाय। सो चाय चाय गाइस चाय। पापा समाधि पे बैठ गए। ये मेरे पापा के गुड्डू चाचा जी हैं जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं इस धर्मशाला के, जो संगरूर धर्मशाला है। इन्होंने ही नींव पत्थर रखा था इस धर्मशाला का। सारे जने आप बताओ कि आपके दर्शन कैसे हुए? हमारे दर्शन तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हुए। बाबा की कृपा से दर्शन बहुत अच्छे हुए। ठीक है, हमारे भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। बहुत बहुत अच्छे बाबा जी के दर्शन। कैसे हुए आपके दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। हाँ जी चाची जी, आपके कैसे दर्शन? बहुत अच्छे बेटा। अंकल जी आपके दर्शन कैसे हुए? सीधे अगली बार आपने कैसे किए बाबा जी के दर्शन? अच्छे किए। हाँ जी कैसे रहे आपके? बहुत अच्छा। आहिस्ता, दर्शन हो गए थे, कैसे रहे? हाँ जी श्री बालाजी के दर्शन अच्छे हो गए। हाँ जी बेटी कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया हुए। ठीक रहे? भीड़ बहुत थी? नहीं बढ़िया दर्शन। बोल श्री बालाजी महाराज की जय। अंजनी के लाल की जय। अंजनी माता मंदिर दर्शन करके आए, बहुत दर्शन हो जाए, खुले दर्शन हो। चलो फिर अब खाटू श्याम जी के लिए आप तैयार हो? हाँ जी हाँ। ठीक है, यात्रा चल रही है। आपके बहन जी कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए जी। हाँ जी पूरा निहाल किया महाराज ने? दर्शन बहन जी कैसे हुए आपके? चलो अब खाटू श्याम जी चलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी जय श्री राम। तो बालाजी महाराज के दर्शन कैसे हुए? जैसे आप घर से विचार करके आए थे भी ऐसा करना है वैसा करना है, उससे ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? हुआ निहाल हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। के दर्शन कैसे हुए? बड़े बढ़िया महाराज के, बहुत अच्छे हुए महाराज के, बड़े आराम से किए। आराम से किए, आनंद मंगल पूरा पूरे। के बेटा कैसे हुए? बड़े अच्छे हुए दर्शन। हैं अच्छे हुए। बालाजी ने निहाल करके भेजा, निहाल कर दिया। अब आपके दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया जी दर्शन। हैं बहुत बढ़िया। अब खाटू श्याम जी के लिए रेडी हो? बिल्कुल जी। हैं हां चलो ठीक है। जय श्री राम। आपको कैसे हुए दर्शन? महाराज की पूरी फुल कृपा रही हमारे पे। तो भीड़ कितनी थी? आनंद भीड़ किया, वो तो मुड्डों पे बिठा के लेके गया, जैसे राम लक्ष्मण जी को बिठाते हैं ऐसे लेके गया। आनंद से दर्शन हम आपके साथ थे, आप मेरे को भूल गए भाई। जाओ जी देख रहा करो। मैं भी साथ में थी। आपको कैसे रहे? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे दर्शन अच्छे रहे, मैंने वहाँ पे जाके जैकी एंड सभी का भला मांगा। तो बाकी भगवान जी सभी का अच्छा ही करते होते हैं, तो मेरे दर्शन अच्छे रहे। चलो और नाश्ता कर लो सारे। हाँ जी ब्रेकफास्ट बस हो रहा है रेडी, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब भी आता हूँ दिल खोल के दर्शन करता हूँ, दिल खोल के मांगता हूँ, बाबा दिल खोल के देता है, दिल खोल के देता है। ये हमारे चाचा जी हैं, गुड्डू चाचा जी, जो मेरे पिताजी के प्रथम भैया थे, प्रथम भाई थे। पापा उन्हें आठ भाई हैं, उनमें पंचम भाई थे। अभी ये इनका देहांत हो चुका है। ये धर्मशाला संगरूर सदर श्री बालाजी के प्रथम प्रधान थे, जिन्होंने शादी भी नहीं करवाई, बालाजी को पूर्ण रूप से समर्पित थे। शशिपाल गुड्डू जी, हम भी उनके बताए हुए दर्शों पे चल रहे हैं। बालाजी महाराज ने आज हमें बुलाया है। ये 2001 में मेरे को खुद चाचा जी लेके आए थे, उसके बाद मैं अब आया हूँ। तब मेरा खाटू श्याम जाने का तमन्ना थी, तब मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो आज भगवान की दया हो रही है, हम खाटू श्याम जी भी जा रहे हैं। बालाजी के दर्शन इतने मज़ेदार और आनंदमय हुए हैं, जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा आनंद लिया है हमने दर्शन करने में। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कपास का धागा सुई के
ब्रेकफास्ट गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।